अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने वो कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप लोगों को जल्दी वेबसाइट आप लोगों की ग्रो हो जाए। आप मतलब ये है कि जब भी हम वेबसाइट पर काम करते हैं या अपने यूट्यूब चैनल पर काम करते हैं या किसी भी चीज़ पर काम करते हैं, हमें ये डिसाइड नहीं हो पाता कि हम टॉपिक कौन सा सेलेक्ट करें, क्योंकि हर बंदा अर्निंग के पीछे भाग रहा होता है। उसको ये मतलब समझ नहीं होती कि हमें टॉपिक भी रिलेटेड देखना होता है, नीच भी देखनी होती है, हम लोगों ने कीवर्ड्स भी देखने होते हैं, फिर अपना इंटरेस्ट भी देखना होता है। मैं आपको ये रिकमेंडेशन करूँगा कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखें, क्योंकि बहुत से लोगों का इंटरेस्ट मोटरसाइकिल बाइक्स में होता है, वो हेल्थ की तरफ आ जाते हैं। जिनका हेल्थ की तरफ होता है वो देखते हैं लॉ एंड उसके अंदर हमारा CPC बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ चले जाते हैं वो आर्टिकल टाइप करने। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप सबसे पहले वो टॉपिक सेलेक्ट करें अपनी निच के रिलेटेड। मतलब अपनी वेबसाइट बनाने के लिए जब आप आर्टिकल टाइप करेंगे तो उसके लिए आप लोगों ने जो टॉपिक सेलेक्ट करना है, मैं आप लोगों को वर्ल्ड वाइड लेकर चलता हूँ कि वर्ल्ड वाइड के अंदर कौन सा टॉपिक कैसे चल रहा होता है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर, वहाँ पर मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ कि बेस्ट टॉपिक कौन सा है जो कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। बेसिकली होता ये है कि वेबसाइट तो हर बंदा बना लेता है, लेकिन उनको टॉपिक नहीं पता होते। टॉपिक होगा तो वेबसाइट की URL आएगी, मतलब आप www. कोई भी हेल्थ टिप्स इन उर्दू इस तरह की टॉपिक लेके .com, मतलब URL जो होगी आपकी, जो डोमेन होगी वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। ये नहीं कि आप URL एक ले लें, मिक्सचप उसमें मसाला बना दें सारे टॉपिक्स, इस तरह ना करें। हर चीज़ को तरतीब से लेके चले। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोगों ने तरतीब कैसे करनी है, अपने आप से, अपने अंदर से अपने आप को कैसे बताना है कि मुझे तरतीब कैसे करनी है। तो एक निच को लेके चलेंगे, एक टॉपिक को लेके चलेंगे तो जल्दी ग्रो हो जाएंगे आप। सब टॉपिक को लेंगे तो मसला होगा आपके अंदर। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि 2 कश्तियों में सवार होना, और बहुत से लोग 10-10 कश्तियों में सवार होते हैं और वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो आप एक निच लें, एक ही कश्ती में सवार हों, और ताकि अपनी मंजिल तक आप पहुँच सकें, जिस चीज़ को आप लेना चाहते हैं उसको आप अचीव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही होगी। बस एक यहाँ पर एक तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि निकाल के रखी है मैंने। इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं आपके आप लोगों को नीचे कौन कौन सी मिल रही है। देखें, सबसे जो बॉटम पे जा रही है वो वुमेन की जा रही है, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगा कि 2 बंदों को आप ज़रूर फॉलो करें, एक वुमेन और एक चिल्ड्रन। गेम्स के अंदर और आपका सॉन्ग्स के अंदर, और सॉन्ग्स के तो आप काम नहीं कर सकते क्योंकि सॉन्ग्स को कॉपीराइट आ जाएगा, अपना बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। चलें हम चलते हैं टॉपिक की तरफ के इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहले वुमेन 3%, लव एंड फैमिली ये आपका 3%, सिनेमा 3%, म्यूजिक 4% अगर आप वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो, होम एंड होम का ये घर के हवाले से ये भी 8%, स्पोर्ट 8%। ये वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, ना कि कोई कंट्री वाइज बात हो रही है, ना कोई शहर वाइज बात हो रही है, मैं आपसे वर्ल्ड वाइज बात कर रहा हूँ। ये वो रिकॉर्ड निकाल के रखे हैं जो कि दुनिया से रिलेटेड है सारी। तो ये जो नीचे IT एंड टेक 9%, ऑटो एंड मोटो ये आपका जो है 10%, और गेम्स देखें 13%, एंड हेल्थ देखें आपका कहाँ जा रहा है डायरेक्टली 14% तक। तो इसको 100% जो लिया गया, 14% को 100% किया गया है, तो इसको कैटेगराइज किया गया है 14 है टोटल। तो अब आप देख सकते हैं हेल्थ का ऐसा टॉपिक है जो कि टॉप पर जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि हर सीज़न में, हर सीज़न का मकसद ये है कि हर लॉबी का मकसद ये है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि जैसे कि ये हर एक सदी के अंदर आप लोगों को हेल्थ का प्रॉब्लम ज़रूर आता है। तो कुछ टिप्स आप, कुछ आर्टिकल्स, कुछ जड़ी बूटियाँ या कुछ हेल्थ के रिलेटेड, अगर आप मतलब पुरानी जड़ी बूटियों से काम नहीं कर रहे तो हेल्थ रिलेटेड मेडिसिन के बारे में बताएं। आप हेल्थ के, आप एक एज अ डॉक्टर की तरह वर्क करें, वो आपकी मर्ज़ी है होम्योपैथिक ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है एलोपैथिक ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जड़ी बूटियों से देसी ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जिसमें भी आप हैं। लेकिन आपने वर्क डेली करना है, ये मेरी बात याद रखनी है। आप खाते रोज़ हैं, सोते रोज़ हैं, काम पर रोज़ जाते हैं, हर काम रोज़ करते हैं, तो आपने वर्क भी रोज़ करना है, काम भी रोज़ करना है, तो आप लोग टॉप पे आ जाएंगे, वायरल होने के जल्दी आपके चांसेस होंगे। तो इनमें से कोई भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर लें, पहले तो अपने आप से पूछें कि आपके इनमें से फेवरेट चीज़ कौन सी है। उसके बाद वेबसाइट पे आने के बाद फिर आप शुरू करें कि आपको वेबसाइट के ऊपर कौन सा टॉपिक लेना चाहिए। फिर आप लोग अपना
प्रोसेस चलाएं, जैसे मैंने आप लोगों को कोर्स बताया है, सबसे पहले आप लोगों को वर्डप्रेस, फिर सॉरी सबसे पहले सी पैनल, फिर वर्डप्रेस, फिर आप उसके बाद एसईओ की क्लासेस चल रही हैं, अब एसईओ कंप्लीट करनी है आपने, तो इसी तरह की चलती रहेगी। मुझे रिकमेंडेशन दिया करें, मुझे फीडबैक दिया करें, कमेंट्स किया करें, मैं आप लोगों को उसी के रिलेटेड टॉपिक ले करके बता दिया करूँगा आपको डिटेल में, रिसर्च करके, अच्छी रिसर्च, अच्छा नॉलेज, एक्सपीरियंस लोगों से मिलकर आप लोगों का प्रॉब्लम हल करूँगा। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।